आमतौर पर बड़ी बोलियों का ये मानना होता है कि बच्चे के सर को गोल और पीछे की तरफ से बिठाना जरूरी होता है। इससे बच्चे का चेहरा भी खूबसूरत लगता है, जिसके लिए चावलों की थैली, खास तरीके के तकिए, ईंटों पर सर रखना जैसे तकलीफदायक तरीके शामिल होते हैं, जिसके जरिए सर को पीछे की तरफ से दबा दिया जाता है। मगर मौजूदा दौर में माहिरीन के मुताबिक सर को इस तरह से बनाना बच्चे की सेहत के लिए किसी तरह भी मुफीद नहीं होता है, बल्कि इस तरह के सर को मेडिकल जबान में फ्लैट हेड सिंड्रोम कहा जाता है। ये वो अमल है जो कि खवातीन बच्चों की नरम हड्डी की शक्ल को तब्दील करके अपनी महारत करार देती हैं, जबकि हकीकत में इस तरह से वो बच्चों की खोपड़ी की हड्डी की शक्ल तब्दील करके इसको एक बीमारी में मुब्तला कर देती हैं, जो कि इन मसाइल का सबब बन सकती है। इस तरह से सर को बनाने की सूरत में कुछ बच्चों में जो मसाइल पैदा हो सकते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स की कमजोरी, जिसके नतीजे में बच्चे बारीक बीनी के काम में ध्यान लगाने में मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। बच्चे के बोलने की हिस में मसाइल, इस सूरत में बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ इनकी जबान में तवतलापन भी हो सकता है। सहानत में कमी दिमाग खोपड़ी के अंदर होता है। अगर खोपड़ी की शक्ल को तब्दील किया जाए तो इससे दिमाग की नशो नुमा भी मुतासिर हो सकती है, जिससे बच्चे की जहानत में कमी वाक़ हो सकती है। जज्बात को महसूस करने की सलाहियत में कमी, हर इंसान के महसूस करने की तमाम हिस्सों का ताल्लुक इसके दिमाग से होता है। दिमाग के मुतासिर होने की सूरत में बच्चे के जज्बात के इजहार की सलाहियतों में भी कमी वाक़ हो सकती है, जिससे बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है और जिद्दी होने के भी इम्कान होते हैं।